और बच्चे पहला नंबर क्वेश्चन देखो आज का क्या है, पढ़िए और इसे समझिए पहले खुद से, और कोशिश करिएगा पहले खुद से इस सवाल को बनाए, और जब ना बने तब सॉल्यूशन विजिट करिए। एक सब्जी विक्रेता अपनी बिक्री वास्तविक वजन से 12% कम वजन का उपयोग करके करता है और फिर क्रय मूल्य पर 32% का लाभ कमाता है, कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। मतलब देखा जाए तो एक सब्जी विक्रेता मतलब भयानक धांधली कर रहा है। वो क्या क्या धांधली कर रहा है? सबसे पहले तो वो सही वज़न का प्रयोग नहीं कर रहा है, यानी वज़न में फ़ायदा उठा रहा है। दूसरी बात, जितना मैं खरीदा उससे भी ज़्यादा में बेच रहा है, यानी दो दो जगह वो देखिए प्रतिशत का फ़ायदा उठा रहा है। इसलिए आपसे पूछा है कि बताइए उसको टोटल कितने प्रतिशत का फ़ायदा हुआ है। तो सवाल को ऐसे समझना बच्चों, ध्यान से देखो। जैसे मैं मान लेता हूँ कि वो इंसान कितना ग्राम सब्जी खरीदा था, 100 ग्राम। 100 इसलिए मानना होता है कि प्रतिशत वहाँ से निकालना बड़ा इजी हो जाता है। मैंने मान लिया कि सब्जी विक्रेता कितना ग्राम खरीदा था, 100 ग्राम खरीदा। अब आप बताओ, जब वो बेचना शुरू किया तो क्या 100 ग्राम के बदले 100 ग्राम दे रहा है? नहीं। आप देखिए मात्रा से कितना प्रतिशत कम बेच रहा है वो, 12% कम। इसका मतलब 100 ग्राम के बदले वो कितना दे रहा है? मात्र 88 ग्राम दे रहा है। 100 ग्राम के बदले वो कितना दे रहा है? 88 ग्राम दे रहा है आपको। और आप मन ही मन ये भी मान लीजिए कि 1 ग्राम का क्रय मूल्य 1 रुपया है। मान लीजिए प्रतिशत निकालने के लिए आप कुछ भी मान लेंगे, 1 पैसा मानिए, 2 रुपया मानिए, 99 रुपया मानिए, कुछ भी मानिए ना, तो क्यों ना सबसे सस्ता माना जाए। कि माना 1 ग्राम की कीमत 1 रुपया, इसका मतलब 100 ग्राम को उसने 100 रुपये में खरीदा होगा, राइट? तो 100 ग्राम को उसने 100 रुपये में खरीदा, और देखिए जब बेच रहा था तो क्रय मूल्य पर उसने 32% का लाभ प्राप्त किया। इसका मतलब 100 रुपये की वस्तु को उसने कितने में बेच दिया? तो उसने बेच दिया 132 में। कितने में बेच दिया? 132 में। यानी आप बताओ वो 100 ग्राम को कितने में बेच दिया? 132 रुपया में। तो 132 में बेचा, लेकिन क्या वो 100 ग्राम के बदले में 100 ग्राम ही दिया था क्या? नहीं। वो कितना दिया होगा? 88 ग्राम। यानी 88 ग्राम, इसका मतलब 88 ग्राम आपको दिया और वो कितने में बेच दिया? 132 में। उसके लिए 88 ग्राम की कीमत क्या पड़ रही होगी? तो 88 रुपया। यानी जब 1 ग्राम की कीमत 1 रुपया तो 88 ग्राम का कीमत 88 रुपया। यानी 88 रुपये की वस्तु को आपको वो देखिए कितने में बेच दिया? 132 में बेच दिया। यानी फ़ायदा कितने का? 44 का। तुलना आपको क्रय मूल्य से ही करना होगा और गुणा 100। 44 × 88 और ये कितने बार में कट गया बच्चों? यानी फ़ायदा कितने का? दैट इज 50%। यस, उम्मीद करते हैं बच्चों आप इस वीडियो को, यदि इस क्वेश्चन को नहीं समझेंगे तो वीडियो रिपीट करके फिर से मेरी बातों को सुनेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। और कुछ सवाल को सिर्फ सुनने से नहीं होता, उस पर चिंतन करिएगा कि मैंने क्या क्या बात बोला है, राइट? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या। ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 30, 60 और 120 दिनों में पूरा करते हैं। ए कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले काम छोड़ देता है और बी कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। संपूर्ण कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या ज्ञात करिए। अच्छा, इस क्वेश्चन को यदि ये समझ लिया जाए कि जिस आदमी ने जितना दिन पहले छोड़ा, यदि उसको उतना दिन और काम करवा दिया जाए तो इसका मतलब शुरू से अंत तक सब एक साथ लगा रह जाएगा। इसी थाउट से इस सवाल को बनाना चाहिए और बहुत आसानी से बन जाएगा। देख लीजिए, यहाँ पे ए है, बी है और सी है। ए का टाइम 30, बी का टाइम 60 और सी का कितना दे रहा है? 120। यदि इफिशेंसी की बात करोगे बच्चे, इसका एलसीएम 120 आ रहा है। 30 × 120, 60 × 120 और ये 120 × 1। टोटल वर्क वहाँ कितना है? 120। टोटल वर्क कितना है? 120, राइट? जो एलसीएम होता है, आप इफिशेंसी गुना टाइम करेंगे, टोटल वर्क मिल जाएगा आपको। इतना टोटल वर्क था। लेकिन आप बताइए ये टोटल वर्क इतना कब? जब कोई आदमी 10 दिन पहले काम छोड़ दिया और फिर ये 5 दिन पहले काम छोड़ दिया बी ने। यदि ए और बी नहीं छोड़ता तो इसका मतलब शुरू से अंत तक सभी आदमी एक साथ काम कर लेगा, है ना? तो शुरू से अंत तक एक साथ काम करवाएंगे तो निश्चित रूप से कुछ काम बढ़ेगा। कितना काम बढ़ेगा? ए 10 दिन पहले छोड़ दिया तो 10 दिन में उसका काम कितना छूटा होगा? 10 × 40 जो छूटा उसको जोड़ दीजिए, तो ये शुरू से लेकर अंत तक इसको भी लगवा दिए। फिर उसके बाद आप देखिए, बी 5 दिन पहले छोड़ा तो 5 दिन पहले यानी 5 दिन में कितना काम किया होगा? वो 5 × 10 यानी 10 काम छोड़ दिया, 10 काम और दे दीजिए, यानी इसको भी शुरू से अंत तक लगा दीजिए। तब सभी को इतना काम करवाइए एक साथ, देखिए कितने दिन में काम कंप्लीट होता है। तीनों की कुल क्षमता 4, 2, 6, 1, 7, 7 से भाग लगा दीजिए, 120 और ये 50 यानी 170/7 आंसर हो जाएगा आपका बी फॉर। ओके,
तो शायद उम्मीद करते हैं आप इस सवाल को समझ गए होंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफिकेशन है ना। इसे तो सबसे पहले आप लोग अपने से ही करने की कोशिश करिए और फिर उसके बाद जब गलत हो जाए तो आप चेक कर लें कि क्या सही और कहाँ आपने गलत कर दिया। देखो सबसे पहले तो ब्रैकेट की काम कर लेते हैं हम लोग। 28 माइनस 3 कितना होगा बच्चों, 25, और 75 बटे 25 यानी इसका वैल्यू कितना आ गया 3। इसका वैल्यू कितना आ रहा है हमें, 3 आ रहा है। तो चलिए थोड़ा ध्यान से देखते जाना, इसका वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। फिर उसके बाद माइनस लगा हुआ, माइनस लगा दीजिए। अब यहाँ देखिए ऑफ है तो सबसे पहले ऑफ, गुना भी हो और ऑफ भी हो तो सबसे पहले ऑफ की क्रिया करना है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ पहले गुना कर लो फिर ऑफ, ऐसे नहीं। सबसे पहले किसकी क्रिया करना है बच्चों, ऑफ। तो 1/3 ऑफ 15 यानी 1/3 गुना 15, तो 3 × 15 हो रहा है। 3 × 5 कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। और 5 से 5 में गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25 यानी -25, राइट। फिर यहाँ 3 बचता हुआ दिख रहा है, फिर प्लस और 1/2। अब इसको यदि हम सॉल्व करें, 25 × 3 = 28 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, -25 यानी 1/2 -25, 25 × 2 = 50 यानी -49/2 आंसर होना चाहिए 3, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एक कार का वर्तमान मूल्य इतना है और इसका मूल्य 10% प्रतिवर्ष की दर से मूल्य ह्रास हो रहा है, 4 वर्ष बाद इसका मूल्य क्या होगा। यानी कार का वर्तमान वैल्यू दिया हुआ है, उसका वैल्यू में क्या हो रहा है, कुछ कमी हो रहा है, कितने प्रतिशत का, 10% की दर से प्रत्येक साल कमी हो रहा है। तो कहता है 4 साल बाद क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है बच्चों, वो जो प्रतिशत है उसका होल वैल्यू निकाल के 4 बार आपको सीधा गुना कर देना है, आंसर तैयार। आइए तो 8, 5, 1, 2, 3, 4 है ना, 85 पे 4 0 है, 10% कमी का होल वैल्यू होता है 9/10, इसे आप 4 बार गुना कर देंगे। इसे कितने बार गुना करना होगा आपको, 4 बार, तो पावर 4 कर दीजिए, राइट। 10 पे पावर 4 यानी 4 0 से 4 0 की कहानी खत्म हो जाएगा। अब ये बचा हमारा कितना, 85 गुना, 9 को 4 बार गुना करना होगा। यदि आप यहाँ पे इमेजिन करेंगे कि इकाई अंक से क्या काम बन सकता है, तो इकाई अंक से काम नहीं बनने देगा। देखिए कई ऐसे अंक हैं, कई ऐसे ऑप्शन हैं जिसका इकाई अंक 5 डाल दिए, इकाई अंक तो छोड़ दीजिए, आप देखेंगे तो दहाई अंक भी कई जगह सेम मिलता हुआ दिख रहा है ना। दहाई तो छोड़ दिया जाए, ट्रिपल भी मिला दिया है, तो आई थिंक कहीं ना कहीं आपसे कैलकुलेशन करवाना चाहते हैं तो करते हैं। 9 को 4 बार 9 का पावर 4 का वैल्यू यदि आपको याद नहीं है, लेकिन पावर 3 तक तो याद ही होगा, 9 का क्यू होता है 729, और 729 में बस एक 4 गुना करना है, देखते हैं क्या होता है बच्चों। 85 गुना करते हैं, 4 × 36, 4 × 36 4 × 2 = 8, 3 = 11, बाकी 1 × 4 = 28 = 29 यानी 85 × 29 क्या हुआ, कुछ गड़बड़। 9 का क्यू 789 81 = 729 4 9 12 उल्टा हो रहा था, बिल्कुल बिल्कुल सही आप लोगों ने कहा है ना बच्चों, यहाँ पे क्या हो रहा था, हमारा गुणनफल गलती जा रहा था। अरे 9 पे पावर 4 का मतलब हुआ 9 4 बार गुना होगा ना, हम 9 को 3 बार गुना करके फिर 4 गुना कर रहे थे, तो गलती तो हो ही रहा था ना। तो चलिए थोड़ा सा सावधानी जरूर बरतना है, तो 729 × 9 करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 9 × 9 = 81, बाकी 8 × 9 = 18, 8 × 26 बाकी 2 × 9 = 63, 2 = 65 यानी 6561 में 85 गुना करके चेक करिए क्या होता है। ये 5, 5 × 6 = 30, बाकी 3 × 5 = 25, 3 28 बाकी 2, 5 × 6 = 30, 2 = 32, 8 × 1 = 8, 8 × 6 = 48, 8 × 6 = 48 बाकी 4, 8 × 5 = 40, 40 × 4 = 44। अब यहाँ से तो लगता है पकड़ में आ जाएगा, यहाँ 5 हो रहा है, यहाँ 8 हो रहा है, 8 × 8 = 16, 5, 8 = 6, और उसके बाद भी मिलाना पड़ेगा, 8 × 4 = 2, 6 = 7, उसके बाद 7 दिख रहा है किसी में, अरे बाप रे पूरा मिला दिया। तब तो हम लोग पूरा गुना किए थे कि नहीं, 8 × 6 = 48, बाकी 4 × 8 = 40, 44 बाकी 4 × 8 = 48, 48 × 4 = 52, 52 है ना बच्चों, 4 7 हो गया था यहाँ, और ये 3 × 2 = 5, 5 यानी 5, 5 × 7 = 6, 8 × 5 = 5, 5 यानी ए नंबर ऑप्शन। वाह क्या क्लोज ऑप्शन डाला है, जबरदस्त, बस सिर्फ यहाँ पे डिफरेंट किया, बाद में सारा क्लोज कर दिया। तो कोई बात नहीं, आपको ये क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ साथ गुना का, क्वेश्चन में तो दम है नहीं आपको दिख ही रहा होगा, तो आखिर क्या टेस्ट करेगा आपसे, गुना का टेस्ट कर रहा होगा है ना। तो गुणनफल भी आपकी, गुना आने से मतलब नहीं है, गुना कितना फास्ट करते हैं ये जरूरत है बच्चों है ना, यही सब चीज़ का चेक होता रहता है आपकी परीक्षा में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 5 और 12 का तृतीयानुपाती, आप जानते होंगे बच्चे जैसे दो संख्या ए और बी है, इसका तृतीयानुपाती का फॉर्मूला होता है b² / a है ना। आइए तो 5 और 12 का तृतीयानुपाती क्या होना चाहिए, b² यानी 12 × 12 / a,
और तृतीयानुपाती और 5, 8 और 9 का चतुर्थानुपाती पूछा है। 5, 8 और 9 का चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती यदि मान लीजिए कि x होगा, इसका मतलब क्या होता है कि फर्स्ट दो रेशियो और लास्ट दो रेशियो आपस में क्या होगा, बराबर होगा। मतलब आप इसको ये समझ लीजिए कि अंदर वाले का गुणनफल बराबर हो जाता है बाहर वाले का, यानी वहाँ से 9 की चतुर्थानुपाती यानी x का वैल्यू, यानी यहाँ से चतुर्थानुपाती यदि हम पता कर रहे हैं तो वह आ रहा है हमारा 9 × 8/5, राइट। 5 से 5 कट ही जाएगा, 4 × 2 = 8, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ, 9 × 8/5 सही तो है। और यहाँ कटाते हैं, 3 × 9 = 3×12, 3 × 2 = 6, 6 कुछ गड़बड़ हो गया लगता है, 12 × 12/5 ये तो सही था बच्चों। और 5, 8 और 9 का चतुर्थानुपाती हमारा क्या होगा, 9×8 = 72/5 ही तो होगा, 72/5 से 5 कट ही गया हमारा। अच्छा थोड़ा सा रुको, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही, एक सेकंड बच्चों रुक जाओ, कर लेते हैं। ये हमारा तृतीयानुपाती क्या था, तो तृतीयानुपाती था हमारा 12×12/5, और उसके बाद वहाँ से हमारा चतुर्थानुपाती क्या मिल रहा है, 9×8 = 72/5, तो 12×6 = 72, 5 से 5 काट दिए, 6 × 2 = 1, 2:1 आ रहा है बच्चों, यानी आंसर कौन सा होना चाहिए, राइट। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या है, एक वस्तु 1200 रुपये पर सूचीबद्ध है, एक ग्राहक 2 क्रमागत छूट प्राप्त करने के बाद इसके लिए 972 का भुगतान करता है, यदि पहली छूट की दर 10% है तो दूसरी छूट की दर क्या है। आप क्वेश्चन समझ रहे होंगे कि 1200 किसी का सूची मूल्य मतलब अंकित मूल्य होता है, सूचीबद्ध है मतलब अंकित मूल्य कितना दे रखा है 1200, इस पर 2 क्रमागत डिस्काउंट दिया और डिस्काउंट देने के बाद वो वस्तु कितने में बिक गया, 972 में, और उस 2 डिस्काउंट में 1 डिस्काउंट दिया आपसे, दूसरा डिस्काउंट पूछ रहा है। आइए वस्तु का अंकित मूल्य कितना है बच्चों, 1200। पहला डिस्काउंट उसने कितना दिया है, पहला डिस्काउंट कितना दिख रहा है, एक छूट 10%, तो 10% छूट मतलब 9/10 में बिक गया। दूसरा छूट हम लोग x% मान लें तो x% का होल वैल्यू 100 - x/100 होना चाहिए, है ना, 2 डिस्काउंट के बाद इतने में बिकना चाहिए, और वस्तु का विक्रय मूल्य ऑलरेडी कितना दे रखा है आपका, 972। चलिए इसे सॉल्व कर लीजिए और x का वैल्यू निकाल लीजिए, 00 से 00 कट ही जाएगा बच्चों, 9 से कटाएंगे, 9 × 1 = 9, 9×8 = 72, और 12 × 9 = 108, तो आप कहोगे 100 - x = 9 = 90, x का मान आ रहा है 10, यानी ऑप्शन कौन सा, 10। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग समझ रहे होंगे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ए और बी एक काम को क्रमशः 18 दिन और 36 दिन में पूरा करते हैं, वे 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं और फिर एक काम छोड़ देता है, शेष काम को पूरा करने में बी को कितने दिन लगेंगे। आप चाहे तो इसे एफिशिएंसी से बना लें या फिर ऐसे भी बना लें, है ना, तो ए और बी है, आप एफिशिएंसी से बनाना चाहते हैं तो बच्चों ऐसे बना लो, देखो ए 18 दिन में, बी कितना दिन में, 36 दिन में, दोनों की क्षमता जरा पता करो तो ये 2:1 कितना हो जाएगा, 1, राइट। टोटल वर्क यहाँ कितना दिख रहा है आपको, 36, क्या हुआ, वे 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं, 8 दिन तक एक साथ काम करेगा तो दोनों की कुल क्षमता 3, 8 दिन में कितना कर लेगा, 8 × 3 = 24, 8 दिन में कितना कर लेगा बच्चों, 24, तो जो काम कर लिया उसको माइनस कर दीजिए तो शेष काम इतना ही बचा। अब इस शेष काम को किसके द्वारा करवाना है, तो एक काम छोड़ देता है, शेष काम को कहता है बी कितने दिन में करेगा, तो बी की क्षमता से भाग लगा दिए, 36 में 24 का कितना, यानी 12, आंसर होना चाहिए 12, सही है, आप ऐसे ही बना लो, कोई बड़ी बात तो है नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अगला प्रश्न क्या है आपका, 8वां प्रश्न क्या कर रहा है, 18, 24 और 25 से विभाजित 6 अंक की सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग पूछ रहा है ना, तो इस सभी से विभाज्य होना मतलब आप समझ रहे हो कि तीनों से विभाज्य होना मतलब उसके एलसीएम से विभाज्य होना चाहिए, है ना, तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम निकालो, तो 18 और 24 का एलसीएम बच्चों क्या होना चाहिए, बहुत आसानी से पकड़ सकते हो, 72 होना चाहिए, और 72 और 25 का फिर एलसीएम निकालोगे, सीधा दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, 25 × 50, 25 × 7 = 175, और 5 यानी कितना, 1800, और इस एलसीएम से आप 6 अंक की सबसे छोटी संख्या में भाग लगाना शुरू करो, तो 6 अंक की सबसे छोटी संख्या मतलब 1 पर कितना 0 बच्चों, 5 0, है ना, 3 2 5, बिल्कुल सही है। अब ये कितने बार में कटेगा, 5 बार में 18 = 90, यानी कितना, 9000, तो ये आपका 0 0 0, 10 में 9 = 1, फिर हमको लगता है 5 ही बार में जाएगा और 9000 यानी हमारा रिमाइंडर क्या बचता हुआ दिख रहा है, 100 बचेगा, 1000 बच रहा है, सही है। अब आप बताओ बच्चे, ये 1800 से तो पूरी तरह से डिवाइड नहीं हुआ, ये 2 केस में डिवाइड हो जाता है, जब आप रिमाइंडर को इसमें घटा दो या फिर इस दोनों के डिफरेंस को इसमें जोड़ दीजिए, यदि आप इसमें एक भी कुछ घटाओगे तो उसने आपसे क्या पूछा था, 6 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो ये 6 अंक की सबसे छोटी संख्या यदि एक भी घटाओगे तो चले जाओगे आप 5 अंक में,
लेकिन कंडीशन है कि आपको 6 अंक में ही रहना है। तो इस केस में हमेशा हम लोग को क्या करना होता है, जोड़ना होता है। तो जोड़ते क्या है, तो भाजक और शेषफल के अंतर को जोड़ा जाता है। तो 1800 और 1000 का अंतर कितना, 1700, सॉरी ये कितना हो रहा है, ये 1800 है ना, 1800 और 1000 का अंतर, हाँ 800 हो जाएगा। अब 800 इसमें क्या करना है, हम लोग को जोड़ देना है। तो 1, 2, 3, 4 है ना, और ये रहा 5, और इसमें कितना जोड़ना है बच्चों, 800 आपको ना, 800 जोड़ दीजिए, क्या मिल रहा है आपको, तो 8, 1, 9 यानी आंसर होना चाहिए। जो संख्या था यही हमारा क्या निकला, ये हमारा निकला 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, है ना। और संख्या ना पूछ के क्या पूछ रहा था, अंकों का योग बताइए, तो इसका अंक जोड़ेंगे तो कितना मिल रहा है, 9 मिल रहा है, राइट। और इतना करने की जरूरत नहीं है, पता चल गया 8 इसमें जोड़ेंगे तो डिजिट तो हमारे को 1 और 8 ही मिलने वाला है, 0 को जोड़ने से फर्क पड़ेगा नहीं। तो इतना ये सब करना भी नहीं चाहिए बच्चों को एग्जाम में, बस हाँ आप ये पता कर लीजिए कि रिमाइंडर क्या आ रहा है और कितना जोड़ना पड़ रहा है। और बड़ा ही अच्छा 0-0 वाला है तो सीधी सी बात है, आपको पता चल जाएगा कि डिजिट या तो एक, मतलब 1 और 8 ही आने वाला है, बस दोनों को जोड़ेंगे उत्तर फास्ट दे देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है शर्मा अपनी कुल आय का 15% किराए पर और शेष भाग का 75% अन्य खर्चों पर खर्च करते हैं, तब भी ₹1700 मासिक बचाते हैं, उसकी मासिक आय क्या है। तो चलो बच्चे आप मान लो कि उसकी मासिक आय क्या है, एक्स है। सबसे पहले देखा जाए मान लेते हैं कि उसका मासिक आय कितना है बच्चों, एक्स है। उसने 15% खर्चा कर दिया, तो 15% खर्चा करने के बाद बचा कितना, तो आप कहोगे 17/20, राइट। फिर उसके बाद जो शेष बचा उस शेष का 75% खर्चा कर दिया, 75% का मतलब होता है बच्चे इसका फ्रैक्शन वैल्यू 3/4, तो शेष का 3/4 खर्चा हो गया, तो बचा कितना 1/4, और यही बचत भाग में और रुपया में उसका बचत कितना दे रखा है, 1700। 17 से एक बार में कट गया, यानी एक्स का वैल्यू हमें मिल रहा है 4×2=8, 8000, यानी उसका जो मंथली इनकम था वो कितना था बच्चों, 8000, राइट। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, राइट। ये रहा क्वेश्चन ना, ठीक है बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपका ये है 10वां प्रश्न, देखो क्या कर रहा है, 3 के पहले 10 गुंजों का औसत ज्ञात करें। बच्चे आपको पता होगा कि ऐसी संख्याओं का औसत जिसके प्रत्येक दो टर्म का डिफरेंस यदि समान हो तो उसका औसत कैसे निकाला जाता है, तो फर्स्ट प्लस लास्ट बाय 2 कर देना है। तो 3 का जब आप गुणज लिखोगे तो 3-3 का अंतर पे चलेगा, 4 का गुणज लिखेंगे 4-4 का अंतर पे चलेगा, यानी अंतर प्रत्येक दो टर्म का समान मिलेगा। तो जब कभी भी जहां भी आपको प्रत्येक दो टर्म का अंतर समान मिले और यदि उसका औसत निकालना हो तो क्या करना होता है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर एंड डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। तो आइए आपको फर्स्ट और लास्ट ही तो बस पता करना है, 3 का पहला गुणज बच्चे 3 ही हो जाएगा और 10वां गुणज तक 3 के पहले 10 गुणज, तो 10वां गुणज हो जाएगा 3×30, तो फर्स्ट और लास्ट यही मिलेगा, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, 33/2 यानी 1650 होना चाहिए आंसर कौन सा। अच्छा उम्मीद करते हैं बच्चों आप समझे होंगे, और यदि समझे होंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, और ऐसे ही आप हमारे वीडियो को सिर्फ देखिए नहीं बल्कि समझने की कोशिश करिए और जीवन में ऐसे ही अपने नॉलेज को बढ़ाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।